उम्रा मुबारक अरीशे। मुबारक आपको भी, दूसरा उम्रा बहुत बहुत मुबारक। दूसरा उम्रा गाइस, आज हम लोग का ज्यादा व्लॉग नहीं बना क्योंकि माशाल्लाह हमने दूसरा उम्रा अदा किया है। हाँ। अल्लाह के फजल करम से अगर मिला तो, अगर मिला इंशाल्लाह मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला इंशाल्लाह तुम नया बैग दिलाओगी यहाँ से। तुम यहाँ से नया बैग दिलाओगी मुझे, ठीक है ना? डन। अगर मेरा बैग नहीं और उसके अंदर जो मेरी काम की चीजें वो कौन देगा? वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग एंड अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हम सैरी करने के लिए निकले हैं। आप लोगों ने मेरे करके व्लॉग में देख लिया होगा जब मैं एंडिंग कर रही थी। तो अभी हम सैरी के लिए जा रहे हैं और हमने सबसे पहले चाय लेनी है, और चाय हम लोग पीछे वाले गेट पीछे, यहाँ पे पाकिस्तानी, और यहाँ पे पता है बारिश हुई, लेकिन मैं और मम्मा इबादत करके आ गए थे और हम सो गए थे, और यहाँ पर बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश। तो खैर अभी हम जा रहे हैं सैरी करेंगे। सैरी ठंड हो रही है बाहर, बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। ये देखें आप लोग, इतने मज़े की बारिश हुई है यहाँ पे कि अल्लाह पाक थोड़ी सी और बारिश दे दे, मुझे यहाँ की बारिश में भीगना है, अल्लाह थोड़ी सी और बारिश दे दे। तो भाई हमने चाय ले ली है, चार चाय लिए हमने, और अब हम हरम की तरफ जा रहे हैं। हम जल्दी जल्दी सैरी करेंगे और फिर हम लोग रोज़ा खोलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जल रहे हाथ। आज मेरा सोचो पूरा हाथ जल चुका है। इसने आज जो क्या हुआ, रिसेंटली कॉल किया, खींचा, मेरे हाथ में कावा था, पूरा हाथ जल गया। पहले निकलती नहीं है ये होटल से, और जब निकलती है तो इतनी स्पीड पकड़ के भागती है। यहाँ पे वो वाला अलार्म नहीं बजता, 35 मिनट्स रहते हैं सिर्फ। उसने देखा है तुम्हारा व्लॉग, अम्मी बता रही हूँ, उसने अम्मी को इतना मारा और दो ग्लास भर भर के पानी लेके आया ठंडे ग्लास के, अम्मी के ऊपर फेंक। क्यों? कि मम्मी को क्यों भेजा है? और अम्मी कह रही इतना गुस्सा गया मुझ पर, इतना गुस्सा गया, मुझे मारे जा रहा था, मारे जा रहा मम्मी। हाँ, याद कर रहा होगा ना तुम्हें। हाँ, कहीं तुम्हारा व्लॉग देख रही थी ना, तो वो जोहान ने एकदम देख लिया ना, गुस्सा हो गया। और यहाँ कर रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी निकले हैं ना हम लोग, और अब हम यहाँ पे सैरी कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से। बलवशा तुम नहीं खाओगी क्या? खाऊंगी, चख लूंगी बस। खाओगी? थोड़ा सा। बलवशा डाइट तो नहीं खाओगी पर तुम लोग खाओ। अरे जल्दी कर लो यार, जल्दी कर लो, अब व्लॉग बंद कर दो ना, तुम कैंटीन का ध्यान रख ही रहे क्या? ये लड़ाई हो रही है सहरी के वक्त, लड़ाई हो रही है, आप देख सकते हैं खवातीन जो है सहरी करते हुए लड़ रही है। कितने चम्मच से खाओगी? ये देखें आप, चम्मच पे लड़ाई हो रही है, अभी बोटियों पे भी लड़ाई होगी, आप देखिएगा। और ये आंटी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, दो चम्मच शुक्रिया। आप अचार लेकर आई थी, कहाँ है कशप? नहीं नहीं टाइम है, आप खा लें। सहरी का मंजर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये यहाँ आंटी जो है मुझे खिला रही है। हो रहा यार, अरिशा तो गिर गई। अरिशा मेरी माँ जो है वहाँ पर, मम्मा ने क्या पढ़नी थी, चाश्त की नमाज पढ़नी थी, वो बितर पढ़ने थे, तो मम्मा वहीं रुक गई हैं, और मैं और अरिशा निकल गए हैं क्योंकि अब मौसम बहुत प्यारा होने वाला है, सुबह होने वाली है, रोशनी आने वाली है। मुझे ये वाला मौसम देखना था लेकिन मैं देख ही नहीं सकती क्योंकि एमरजेंसी है ऋषि को, अब इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत पानी पी लिया है क्योंकि ऋषि ने बहुत पानी पिया, लेकिन आप लोगों को मैं चांद दिखा दूंगी, देखें ऋषे बोरा चांद, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा चांद लग रहा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, जो बात है यार। गाइस हम लोग उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद आयशा, और लड़कियां तैयार हो रही हैं। सोना लगाया मैंने आज, हाँ बैग के अंदर है, हम लोग निकल गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? घर जाने का दिल नहीं चाह रहा ना, है ना?
बिल्कुल भी घर जाने का दिल नहीं जा रहा, बस दिल ऐसे है कि बस यहाँ पे यहीं रह लें, यहाँ से नहीं जाए हम। अरे बहुत सुकून है, मैं कहती हूँ जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको अपने घर बुलाए, सबको यहाँ बुलाए, आमीन। कल भी मैंने बिल्कुल है ना खाने काबा के सामने खड़े होकर दुआएं मांगी कि अल्लाह जिस जिस की ख्वाहिश है, जिस जिस को आना है तेरे घर पे, उस जिसको अपने घर पर बुला ले, उस जिसको अपने घर पर बुला ले, हमें बुला लेंगे। आज हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मस्जिद आयशा जा रहे हैं हम लोग। और मस्जिद आयशा जाना बहुत ज़रूरी होता है दूसरी उम्रे के लिए, वहाँ पे ज़ियारत करनी पड़ती है और नफिल पढ़ेंगे और उसके बाद ही हम लोग दूसरी उम्रा कर सकते हैं। जो जो चीज़ें जो जो डिटेल्स मुझे नहीं पता, मैं वो सब कुछ जान रही हूँ, यूट्यूब पर गूगल कर रही हूँ सब कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद नहीं पता होती, हम नहीं जानते और हमें नहीं पता थी। हम यहाँ पे आके दीन सीख रहे हैं, हम यहाँ आके हमें सब कुछ पता चल रहा है, हमें नॉलेज नहीं थी, हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ आके पता लग रही है, काफ़ी सारी सूरतें जो मुझे नहीं आती थी वो मैंने यहाँ आके सीखी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अपना दीन सीख रही हूँ तो मुझे बताने में कोई शाय फील नहीं हो रहा, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब मुझे सिर्फ ये हो रहा है नमाज़ पढ़ने का जो दिल चाहता है यहाँ पे, मेरा पाकिस्तान में बिल्कुल दिल नहीं चाहता था उस तरह। यहाँ पे जमात के साथ आप नमाज़ पढ़ते हो, जमात के साथ। हमारी जो है टैक्सी हो गई है मस्जिद आयशा जाने के लिए, हमने टैक्सी करी है अभी और हम मस्जिद आयशा जा रहे हैं, और वहाँ पर जाके पता लगेगा कि मस्जिद आयशा कैसी दिखती है, कैसी है, हर चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगी। क्या कर रही है अल्लाह, जवान को देख देख के रो रही है, पागल है। चले बात करते हैं, इतनी अच्छी जगह पे आई हुई है, आंटी सही समझा रही है, इतना दूर हो और तुम इस तरह रो रही हो और वो टेंशन में आ जाएगी, आसान हो रही है उसके लिए, अच्छी की दुआ करो, बस अल्लाह पाक की दुआ करो। पागल है, खुश नसीब होती प्यारी जगह आई हुई है उसकी नसीब, पागल चारों तीनों। तो एक से दूसरा उम्रा है ही नहीं उसमें, है ये तो हम खुद कर लेते हैं, लेकिन हमारे नबी ने एक सफर में गुना तो नहीं, तो मस्जिद आयशा का भी गुना नहीं है, मुकर्रर भी नहीं है ना, जैसे आप मस्जिद आयशा का बोलना मुकर्रर नहीं है, इस तरह दूसरा उम्रा भी मुकर्रर नहीं है, वो हम अपने लिए कर रहे हैं। वो कह रहे मदीने से ना, तो मदीने से आंटी हम करेंगे ना, नहीं सुनो मेरी बात, वो बात ही कुछ और कर रहे हैं, तुम उनकी बात को नहीं समझ, वो किसी और मस्जिद में जाने की बात कर रहे हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला का वहाँ बीमार हो गई थी, तो वो समझ गई मैं, उनको मेरे पूरी वीडियो सुनी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं, यानी कि वहाँ से उम्रा नहीं होता, वहाँ से नियत नहीं होती, लेकिन हम लोग यही वहीं से करते हैं, हाँ वहीं से करते हैं, मतलब पूरा पाकिस्तान वहीं से करता है। 13 किस्म के मौलवी हैं, ठीक है, इधर जो कानून है एक ही है, दूसरा मौलवी उसके ऊपर ना, जहाँ से आप बता रहे हैं वहाँ से किसने किया था पता है, उधर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया, और वही सबसे तो एक ही किया था, सबसे अफजल उम्रा वो है, उन्होंने एक मिनट वहाँ से नियत करके आप कह रहे हैं फिर मक्का है। पूरे सऊदी अरब में 3 बड़ी मेकात है जिधर हमारे नबी ने खुद एहराम बांधा, ठीक है, फर्जी उम्रे जितना सवाब है, इन 3 मेकात में ना अगर आप एहराम बांधते हो तो फर्ज उम्रा कौन सा होता है, जो हज पे हजी आते हैं ना पहला उम्रा करते हैं उसको बड़ा उम्रा बोलते हैं, उस उम्रे का सवाब है अगर तो आप इन 3 मेकात में एहराम बांध के उम्रा करते हैं। तैफ में आप मदीना से आप ऑटोमेटिक करेंगे वापसी पे, एक जुराना का एक तैफ का, ये 3 उम्रे हैं, ठीक है, इनका सवाब। अच्छा, वो करीब है जहाँ पर आप बता रहे हैं जी, वो करीब है जो आप बता रहे हैं, वो 35 किलोमीटर है, और ये मस्जिद है ये आगे, चलिए तो करीब
हम लोग मस्जिद आयशा आ गए हैं। और तो मैंने मिला समोसा। उमरा करने आया और माशाल्लाह माशाल्लाह रश बहुत ही ज्यादा रश है। उमरा मुबारक है ऋषे। मरहूम कलंदर बख्श और बड़ी खुशी हो रही है कि दूसरा उमरा भी हमने अदा कर लिया और माशाल्लाह मक्का में तीसरा दिन है और तीन दिनों में हमने दो उमरे अदा किए हैं। बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं कर पा रहे होते पर अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत दी है और इन पाक रातों में हमें इतना सवाब मिलेगा ना यकीन कर उमरे का कि हमें ये रातें मिली हैं। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, हमें ये रातें नसीब हुई हैं। आज बहुत बड़ी रात है बट अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, होटल जाके कुछ खाएंगे क्योंकि कश्यप के पाँव में बिल्कुल ही छाले पड़ चुके हैं। मेरे पाँव में भी ना, मेरे पाँव में कुछ ऐसे वाली जो जगह आती है मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे स्टील का कोई, मेरे उल्टे पाँव की तरफ ना पता नहीं क्या मसला हुआ, मुझे नहीं पता। मैंने पूरा उमरा लगड़ के किया है, लगड़ी होके, क्योंकि मेरे पाँव में मुझे नहीं पता क्योंकि दो दिन से हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं बट मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। सो गाइस, ये जो है मेरी फैन मुझे मिली है और ये कब से मेरा वेट कर रही थी और मैं इनको मिल गई। कैसा लगा आपको मिलके? बहुत अच्छा मिला और बहुत लगी नहीं रही, तो पतली लग रही हूँ। नबिया और तुम दोनों, नबिया तो पतली थी, पतली हूँ मैं, कहाँ से पतली लग रही, मोटी लगती है व्लॉग में, मैं मोटी आती हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो खत्म हूँ भाई। चलें ठीक है, बस हम लोग चलते, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस हम लोग आ गए थे अपने रूम में, हमने रेस्ट करा, हम लोगों ने तकरीबन एक से दो घंटा रेस्ट करा। अब हम जा रहे हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए हरम में। हम लोग मीर सब लोग आए हुए यहाँ पे, बोला मेरे पैरों में इतना दर्द है लेकिन फिर भी हरम में जाए बगैर दिल भरता ही नहीं है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ना अपना बैग ना, मैंने नहीं, मम्मा ने ना, अरीशा ने मम्मा से ले लिया था, मम्मा ने कंधे पे डाला था, तो अरीशा ने बैग ले लिया। बैग लेने के बाद मॉल गई और मॉल जाने के बाद मेरा बैग घुमा के आ रही है और मेरे बैग में इतना सामान था। सही है भाई, सारा थी। बता दो सच सच, बता दो, बताओ सच सच। यार कश्यप ने मुझे बैग दिया था, मैं मानती हूँ वो बैग दिया था बट मेरे से गलती ये हो गई कि मैं खाना खा रही थी और मैंने बैग उतारा था। उसके बाद मैं बहुत परेशानी में आ गई थी, कैसे मैं बता नहीं सकती ना, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही। मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ गया था, मैं बिल्कुल गिर रही थी, मैं मुझे कुछ नहीं हो रहा था उस वक्त और जहन में नहीं रहा बैग। और उस बैग में कश्यप के सिर्फ पापड़ थे और कुछ भी नहीं था, चटपटा पापड़ थे, वो किसी भी हाथ में लगेगा तो उसके सिर्फ पापड़ निकलेंगे उस बैग में से। और जितने दिन हम यहाँ हैं इसने जो खजूरें जमा की थी उस बैग में, वो खजूरें उस बैग में सिर्फ, बाकी कुछ नहीं था उस बैग में, कुछ भी नहीं था उस बैग में। चलो अगर मिला ना मैं आप लोग खोल के दिखाऊंगी, इसमें सिर्फ पापड़ थे। अगर मिला तो, अगर मिला इंशाल्लाह मिल जाएगा, अगर नहीं मिला इंशाल्लाह तुम नया बैग दिलाओगी यहाँ से, तुम यहाँ से नया बैग दिलाओगी मुझे, ठीक है ना? डन। अगर मेरा बैग नहीं और उसके अंदर जो मेरी काम की चीजें वो कौन देगा? पापड़, चटपटा पापड़, वो पाकिस्तान से मैं तुम्हें ले दूंगी। खजूर तुम 19 दिनों में और जमा कर लोगी। अरे रुक जाओ, नबीहा चीज ले रही है, चाय ले लेते हैं हम जब तक। गाइस हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, आ जाइए हम यहाँ से चाय, पाकिस्तानी पंजाब। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह 23वीं शब थी और आज हमने इतनी ज्यादा इबादत करी है, बहुत ज्यादा इबादत करी और आज ही हमने उमरा भी किया बट हम होटल गए, हमने रेस्ट करा, रेस्ट करने के बाद हम आज आ गए हैं यहाँ पे। चाय 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 चाहिए, अरीशा चाय पी रही है। क्या खा रही हो अरीशा? सॉरी करिश्मा बोलती नहीं, अभी मैंने अरीशा बोला। सो गाइस ये व्लॉग मैं यहाँ एंड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरा व्लॉग, अगर मेरा बैग नहीं मिला ना
तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। अभी मैं बैग ढूंढने जा रही हूँ, मेरा बैग मिलना चाहिए। मैं पहले बता रही हूँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय।